वाला ब्लॉग जो है ना आई डोंट नो कब आ पाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन है ना यहाँ पे नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कार और आदित्य भरवा रहे थे पेट्रोल, हमने मौका ढूंढा फटाफट गाड़ी से निकलने का, क्योंकि इतना मतलब बाहर ना निकले ऐसे कैसे हो सकता है। और आंचल इतनी देर से इस पिंक वाले फ्लावर को देख के बोली जा रही है, मेरे ऊपर मत फेंको। पर नहीं बात दीदी पता है फेंको, कितने क्यूट लग रहे हो, सच्ची सच्ची में बहुत क्यूट प्यारे है ना ये, मतलब पूरा सूखा हुआ पड़ा और ये पिंक बीच में अलग फ्लावर है। चिप्स का पैकेट लेके आए थे, इसकी हवा बिल्कुल ठीक थी, पहाड़ों पे आगे इसकी हवा को क्या हो गया ओए? मैं पता इसका इलाज क्या है, पैकेट खोल के खा लो, वो तो है ही है, पर इसमें हवा क्यों आ गई है? और जी की है कि यहाँ पे एयर प्रेशर कम है, अच्छा तो वो ऐसे वो पैकेट फूल जाता है, मतलब ये एयर प्रेशर सप्लाई करने की मशीन है। एक्चुअली दिस पैकेट इज इंस्पायर्ड बाय आंचल शर्मा, आंचल में भी बहुत हवा भरी है और इस पैकेट में भी बहुत हवा भरी है। वाह, मतलब आंचल ओएमजी व्लॉग्स में आने से पहले इस पैकेट की तरह थी जिसमें हवा थी नहीं, और अब इसमें बहुत हवा आ गई हुई है। अभी हमने सोचा कि रास्ते में थोड़ा सा अपना स्नैकिंग का सामान ले ले, हाँ। क्योंकि मंचिंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है और रास्ता अच्छा कट जाता है इनसे। साहब वो भाई साहब दांत देनी पड़ेगी लोगों की जो साइकिलिंग करके लद्दाख जा रहे हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता ये चीज। मैं ये नहीं सोच सकती कि आदित्य इतनी सारी चॉकलेट खरीद, ये पैकेट सिर्फ चॉकलेट से भरा हुआ। अभी तो मैं डब्बा खरीदने लगा था मंच का, भगवान जरा बर्थडे आ रहा है क्या, तेरा बर्थडे निकल गया, मुक्ति का आ रहा है। ट्रैवलिंग के टाइम ना मंचिंग करते हुए जाते हैं तो मंच खाने का अलग ही, मतलब मंचिंग कर रही है तो मंच ले लो। ये देखो और ये देखो, ये सारे चॉकलेट्स का डब्बा है यार। अगर आप ध्यान से देखो ना उधर उस कोने तक ट्रैफिक है, ये सारा ट्रैफिक है, फिर उसके बाद आगे हमारे काफी लाइन लगी हुई है। जैसे अपने अटल टनल पे था ना वो चेकिंग हो रही थी, फिर उसके बाद जाने दे रहे थे, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी शायद पास वास या कुछ चेक कर रहे। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि चेकिंग हो रही है, क्योंकि गाड़ी ना एक एक करके जा रही है आगे, कोविड टेस्ट हमारे हो रहा है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आप मंच खाते हैं, मंच वालों मुझे स्पॉन्सर कर दो प्लीज। मैंने ना बड़े बड़े सूरमे देखा है, पर इतना बड़ा सूरमा कभी नहीं देखा। चिपका के ट्रक निकाल दिया सारा का सारा, काली वगैरह कोई ना मचाया करो, कुछ नहीं रखा, एंजॉय करने जा रहे हो, चिल मारो। ट्रक वाले एंजॉय करने जा रहे हैं, ट्रक वाले तो काम से जा रहा है ना, उसके पीछे गाड़ी वाला तो था ना। एक घंटा हो गया था और एंड पे आके वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, और हम आज पहली लेट हैं सरचू के लिए, और अब हम और लेट हो चुके हैं और मौसम भी थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है। हाँ, बारिश वाला मौसम हो चुका हुआ है, हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होती है। ओ भाई साहब क्या नजारा, और बारिश हो रही है उनका, देखा तुमने भाई साहब मुझे लग रहा है ये सुसु स्पॉट है, लोगों ने तो रेल ही लगा लिया सुसु करने की, तो अभी तो लोग कम हो चुके हैं जब तक मैंने वीडियो स्टार्ट की, प्रॉपर लाइन लगी हुई सुसु भंडार इधर, अपना भाई भी भंडार देने चला गया, जितने भी पार्टिसिपेट करते गए। हाउ वाज योर सुसु गैंग, फ्रेंड्स बनाए आपने कुछ वहाँ पे? न्यू गुड़गांव से आए मेरे नए फ्रेंड्स, मैंने बोला मुझे कुछ अन्य जैसा खाना है। अभी जब बुला रही थी उसे, उससे पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, देखो वापस मैं एक और बार ट्राई करूं। आंटी बुला रही है, गाड़ी क्यों रुकी जा रही है, वो जो गंदा रास्ता है ना बीच में कीचड़ और वो गाड़ी स्लिप करती है वहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ पे, मतलब गाड़ियाँ फंस रही थी, उनको पीछे आना पड़ रहा था, मोमेंटम बना के फिर आगे जाना पड़ रहा था। चलो अच्छा हमारी पेट्रोल गाड़ी है निकल गई, पावर थोड़ी ज्यादा होती है पेट्रोल में। ये जो हमारे सामने गाड़ी है ना, ये लोगों को घुमाने फिराने नहीं लेके आई, लोग इसको घुमाने फिराने लेके आए हैं। भाई साहब चार लोग आए जिसमें तीन लोग गाड़ी के बाहर निकल के गाड़ी को आके कह रहे ऐसे आगे आगे आगे, वो देखो ये देखो ये दूसरा इसका केयर टेकर जा रहा है। भाई साहब क्या चल रहा है दुनिया में, बंदे थोड़े घूमने आए हुए हैं सच में, गाड़ी की वेकेशन है, लोगों की तो ड्यूटी है। आ गया व्यू भाई साहब, भाग मिलकर भाग की शूटिंग हुई है यहाँ पे। ओए होए होए, तो भाई साहब रोड हो गई यहाँ पे थोड़ी सी खराब, और रोड अभी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बांध बना दिया कि पानी सड़क पे ना आए नदी का,
और नहीं तो ये तो नदी बिल्कुल ही नदी सड़क पे ही आ गई थी, मतलब बिल्कुल मतलब वाटर क्रॉसिंग तकड़े वाली हो जानी थी। हाँ। और ये अच्छी चीज लगी यार पानी हाँ। के बिल्कुल अलग से इन्होंने बांध बनाया हुआ, इन्होंने इन्होंने बाउंड्री बना के पानी को रोक दिया यहाँ आने से। हम तो ना उतरे गाड़ी से, हवा ठीक है टायरों में इस वाले में, पत्थर पुत्थर तो नहीं फंसा पत्थर तो रोड पे चलते हुए पता लग जाएगा। यार अगर आप कभी भी पहाड़ों में आ रहे हो ना, कुछ उन लोगों जैसी हरकतें मत करना। टाकी से निकला हुआ है एक पूरा दरवाजा खोल के निकला हुआ है, तो मैं एक मिनट जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो पूरा दरवाजा खोला हुआ है बंदे ने। मतलब यार दोस्त आ जाते हैं मस्ती करनी होती है, बट उस मस्ती के चक्कर में ना सेंसिबल रहो। वो देखो यार रेसे लगा रहे हैं पहाड़ों पे, ऊपर से बाहर निकल निकल के यार। भाई साइकिल पे भी देख लिया लोग, भाई साहब तो स्कूटी पे आए हैं। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, चढ़ाई पे चढ़ कैसे रही होगी ये? पता नहीं यार स्कूटी में इतनी जान होती है, मुझे लग रहा है इन्होंने इंजन में टर्बो चार्जर लगवाया। ये कोई स्पेशल स्कूटी है सरदार जी के पास, सच्ची कह रहा हूँ। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार, मतलब लोड पूरा है भाई ने। भाई साहब भाई सलूट है आपको। इनकी जो स्कूटी है ना वो तेल पे नहीं चलती, जिगरे पे चलती है। यहाँ पे लगा है छोटा सा जाम, तो हमने सोचा बाहर निकल के थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर ले। और यार गाड़ी में बैठ के नहीं पता चल रहा था कितनी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा है ना भाई गॉड। और यहाँ पे ना छोटा सा लेक है, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सुंदर सीन है, इतना सुंदर सीन है ना भाई साहब। ये जरा चेक करो, अलग ही कॉन्फिडेंस में जीते हैं कुछ लोग तो। मतलब रुक जा थोड़ा सा स्लो कर ले, हम चले जाएंगे आराम से पीछे, जबरदस्ती वहां से ना बैक करवाई है। अब ना हम ऐसी रोड पे आ चुके हैं जहाँ पे रोड है ही नहीं, रोड है ही नहीं, बहुत देर हो गई है, बहुत गंदी रोड है यार। हर चीज में ना प्लस और माइनस इकट्ठी होता है। एक साइड पे व्यू चेक करो बहुत बढ़िया, ये देखो झरना बहुत बढ़िया, बट सड़क कहाँ है, कहाँ है? अराउंड 10 किलोमीटर का पैच है जो कि बहुत ही गंदा। इसको आप गंदा भी बोल सकते हो, इसको आप रोमांचक भी बोल सकते हो यार, रोमांचक। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस गो थ्रू डिफिकल्ट रोड। अब अच्छा लग रहा है, अब रास्ता अच्छा लग रहा है, इट इज गुड। वैसे ये नहीं है वो है डिफिकल्ट, सारा बड़ा आया शेक्सपियर कहीं का, डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ओके, पर वो बात तो सच है, मतलब वो जो है ना सेइंग वो इसी रोड को मद्देनजर रख के बनाई गई है। यही आया होगा फिर उसने बोला होगा ये बात सही है। ये लगता है ये जो पानी है ना सड़क को बहा के ले गया। मतलब रोड कहाँ पे है? रोड तो आई नहीं, पता नहीं कितने किलोमीटर उधर मुझे दिख रहा है कुछ, चारकोल वाली रोड। हाँ भाई साहब इतने ज्यादा लंबा पैच था ना ये, पर ये पहाड़ इतना सुंदर है ना देखो यार, यही पहाड़ की सुंदरता ये झेलने पे मजबूर कर रही है। और फाइनली फाइनली थोड़ा सा और वो मैं ना स्मूथ सी रोड के मजे लेना चाहता हूँ। मेरे बम्प्स जो है ना बम्पी बम्पी बम्प्स हो गए हैं, बहुत मजा आ गया भाई साहब। ऐसी रोड ही नहीं देखी, तू सबसे ज्यादा प्यारी रोड है भाई। नजर ना लगे इस रोड को, तू कभी ना खराब हो, तू कभी ना पट्टे। ओए तेरे साइड पे क्या रहा तू जा रहा है, दलदल लग रहा है, बहुत अच्छा क्या क्या क्रिकेट का, बहुत सुंदर व्यू है क्रिकेट का, यहाँ दुनिया के सारे ग्राउंड बना लो। ये आती है डिस्कवरी पे ऐसे कि सबसे ज्यादा खतरनाक रोड ये वो, छोटे छोटे से पैच होते हैं, हवा बनाते हैं वो किलो किलो का। वो तो है, मतलब डेंजरस ये पूरी रोड है वैसे, सच्ची बताऊँ हमें नहीं लग रही है इतनी, बट सच्ची में बहुत डेंजरस है, थोड़ी सी निकलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। डिस्कवरी पे ना यही सब कुछ दिखाते हैं कि इतनी ज्यादा खतरनाक रोड है, सब कुछ फ्लैट अप कर भाई, थोड़े थोड़े पैच है, थोड़ी सही भी तो है, मतलब पॉजिटिव साइड नहीं दिखाते लोग, नेगेटिविटी भी पूरी भरी पड़ी है। अभी आपको दिखा रहे किसी आर्टिस्ट की मास्टरपीस वाली क्रिएशन। आह क्या पहाड़ है, क्या सड़क है, क्या व्यू है, शीशा गंदा है, बहुत बढ़िया। आर्टिस्ट का नाम है गॉड, गॉड सच में गॉड, इसका नाम है नेचर। साइड पे वहाँ पे बर्फ है,
क्या बात है भाई, पेड़ ही नहीं है कहीं पे, पेड़ ही गायब हो गए हुए हैं। कभी पेड़ नहीं है भाई, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि मैं पेड़ ही नहीं देख पाऊंगा। दुखी वाली बात नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है, पर फिर भी पेड़ ही नहीं है। ऐसे भी होते हैं, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, बहुत वजह से नहीं है ऑक्सीजन उसी की वजह से कम है, ऑल्टीट्यूड की वजह से कम है, और नहीं पेड़ ही भी है उसकी वजह से है। ये तो साइंटिस्ट ही बता पाएंगे, वो साइंटिस्ट कुछ नहीं बता सकते वे, वो सुनी सुनाई बातें करते हैं साइंटिस्ट। मैं बता रहा हूँ रियलिटी, पेड़ ही दिए, ऑक्सीजन कहाँ से होगी। और जी फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, कुछ इस तरह के टेंट से हैं, इतनी सुंदर वादियों के बीच में। आहा, हिंदी का आनंद ना ऐसे लफ्जों में है यार, सही बात है, ऐसी जगह आके ना खुद ही खूबसूरत शब्द निकलते हैं सच में यार। शायद ये यही वाले टेंट है सामने वाले हमारे यहाँ चल, इतना सुंदर व्यू है यार भैया। अरे भाई साहब गजब, मतलब लिटरली मैं इतने सुंदर व्यू के साथ कभी कहीं सोया ही नहीं हूँ, और आई नो मैं थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ टोपी वोपी पहन के। आप लोग कमेंट करके बता दो आपको कैसा लग रहा है ये, और मुझे पता है मैं थोड़ा अंकल सा लग रहा हूँ, और मैंने मास्क इसलिए पहना हुआ है क्योंकि नाक बहुत ठंडा हो गया है, तो नाक को गर्म रखने के लिए मास्क पहना हुआ है। बोला भी नहीं जा रहा इतनी ठंड हो गई। देखो देखने में तो अच्छा लग रहा है, उसके साथ एक और चीज जो है वो लग रहा है, वो ठंड लग रहा है, और वो लग रहा है बहुत ज्यादा भरपूर। इस टाइम पे हवा इतनी चल रही है, आपको ना पक्का वीडियो में विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, पर भाई साहब मैं सच्ची गारंटी दे रहा हूँ एवरेस्ट में भी ना इतनी ठंडी होती होगी। हवा तो ऐसे जेब, देखो मेरे बाल उड़ रहे, इससे आप अंदाजा लगा लो कि कितनी हवा चल रही है। ये सोचो कि यहाँ इतनी ठंड है तो एवरेस्ट में कितनी होती होगी, ये सोचो। तो अभी पूरे हम सुन्न हो चुके हैं, आते ही हमने कपड़े डाले क्योंकि सहन नहीं हो रही थी ठंड बिल्कुल भी, फ्रीजर वाली ठंड, ये ब्रेन फ्रीजर वाली ठंड लिटरली, मतलब नाक नहीं, नाक सुन्न हो चुका है, हाथ सुन्न हो चुका है, मैंने कैमरा पकड़ा मेरा वो वाला हाथ भी सुन्न हो चुका है ना, वैसी ठंड है जिसमें चाय का कप ना हाथ में ऐसे पकड़ के बंदे को निग मिलता है। हमने वैसे ना भैया को थोड़ा सा ऑर्डर दिया है कि थोड़ा ऑमलेट वगैरह या मैगी वगैरह बना दो प्लीज, क्योंकि खाना लगने में एक घंटा पड़ा है और भूख बहुत ज्यादा लग रही है, मतलब वो मैगी वैगी कॉर्नर में चली जाएगी। बट यार व्यू चेक आउट, व्यू तो यार मतलब कल वाला व्यू था वो अलग लेवल का 100 नंबर, ये अलग लेवल का 100 नंबर। दिस इज लाइक ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे, ग्रीनरी नहीं दिखेगी यहाँ पे, बट आपको पहाड़ दिखेंगे, सुंदर पहाड़। बस यार मेरे मन में तो वही वाला गाना चल रहा है, भाग मिल्खा भाग, यहाँ तुम भागने लगो, यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाओ, एनर्जी आ गई इसमें, पागल कुत्ते ने काट लिया इसको। इसमें ना मिर्ची डलवा लो ज्यादा, सी सी से भी गर्मी आती है, दिखाने वाली थी मैं आपको, दिखाती हूँ वॉशरूम, ये देखो, ये देखो टेंट्स में वॉशरूम होते हैं इनमें, पर ये जो लोग कहते हैं ना हम रोज नहाते हैं, एक बार यहाँ पे आओ नहा के दिखाओ, मान जाएंगे कपड़े कुपड़े चेंज करने के बाद। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मुंह मां वॉश कर लेती हूँ, बट आंचल ने बोला कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंडा है, इसको ना ठंड बहुत कम लगती है, मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है, पर अगर इसने बोल दिया कि ठंडा पानी है मतलब वो बहुत ठंडा है। इसने मुझे बहुत अच्छी सजेशन दी कि दीदी पानी से मुंह मत धो, पर धो किसके साथ, रोज वाटर के साथ, यार टंग स्लिप हो रही है ना, बोला भी नहीं जा रहे, मेरे से ना बाद ऐसा लग रहा है फंबल बज रहे हैं। ओंकार तुम अपने आप को चैंपियन बोलते हो ना, आज तुम्हें एक चैलेंज दे रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अरे लेकर देखो बड़ा मजा आ रहा है, मैंने भी किया वो, पहले एक चीज होनी चाहिए मेरी डिमांड पे, कौन बनेगा करोड़पति यहाँ पे खेला करो, हॉट सीट की जो, अरे यार बताओ ना पहले चैलेंज, चैलेंज करवाना है एक भैया। यार ओंकार को मैंने बोला तू अपने आपको चैंपियन चैंपियन बोलता है, मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रही हूँ एक्सेप्ट है, ये मान ही नहीं रहा, चैलेंज ही नहीं रहा, क्या नाम का चैंपियन है ये, लिख दो ओंकार ओंकार एक टॉयलेट में, कभी इतने लोग इकट्ठे नहीं हो रहे आज चैलेंज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्या बात है, टॉयलेट में कट गया, रीयूनियन इन टॉयलेट, क्या बात है, क्या बोलो अब तुम्हें, तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुमने अपने हाथ धोने हैं, पानी के अंदर हाथ रखना है कम से कम 30 सेकंड के लिए, ले काउंट कर ले, 1 30 सेकंड के लिए पानी के नीचे हाथ, 3 4 5 6 7 8 इनके चक्कर में तुम हाइपोथर्मी मत करा देना, 19 20 हो गया जीत गया जीत गए, बस 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 आगे तुम्हारे, अब जरा इसके छिट्टे भी लो, चैलेंज के आए बड़े, आए लो चैलेंज यहाँ पे, तो सच्ची में आइस कोल्ड वाला वाटर होता है ना उससे भी ज्यादा ठंडा है, ये पता नहीं कैसे बर्फ नहीं जम रही पर निकलते सारा बर्फ निकलती चाहिए, पानी है यार।
कल हमने चंडीगढ़ से मनाली का डिस्टेंस जो कवर किया था वो था 300 किलोमीटर, और आज जो हमने 150 किलोमीटर किया ना उसके डबल स्ट्रेस हो चुकी हुई है, और इस टाइम पे थकावट जो है ना वो है फुल लेवल वाली। और फाइनली लग चुके हमारा खाना, आंचल तेरे फेवरेट चावल, अब इसको शकेंगे और सोएंगे और कल एक नए सफर की तरफ चल पड़ेंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो यही पे करते करता बाबा आपको करते रीति रिवाज पूरे। और एक और चीज, ये वाला व्लॉग जो है ना आई डोंट नो कब आ पाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन है ना यहाँ पे कोई नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अपलोड हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये वीडियो कब अपलोड हो रही है हमें कुछ नहीं पता। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ। ये कल वाली अप्लाई नहीं होती, पता नहीं कल आएगा या परसों आएगा।